हरे कृष्णा, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल, सॉरी गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड वेलकम ऑल ऑफ यू ऑल फॉर आवर वीकली थर्सडे इवनिंग क्लास। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम द भगवद गीता 18 चैप्टर, सो समथिंग इम्पोर्टेंट। सो बिफोर आई गो अहेड, आई वुड लाइक टू आस्क वन क्वेश्चन टू ऑल अवर क्लास मेंबर्स। भगवद गीता पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट? इतना मेहनत करके आप लोग क्लास में बैठ रहे हो, और व्हाट इज द फायदा क्या है? व्हाट इज द बिगेस्ट बेनिफिट? यस यस लेता माता जी, बोलिए। मतलब हमें जीवन कैसे जीना है, मतलब इसमें जीवन कैसे जीना है, फाइन। और इसके अलावा और भगवान खुश होते हैं। भगवान को खुश हमारी करना, चलो वो भी मान अंतरात्मा लिया, समथिंग बेटर। भी शुद्ध होती है, आपके अंतरात्मा को शुद्ध होती है हमारी शुद्ध अंतरात्मा, होती, मतलब अशुद्ध है आत्मा, कभी अशुद्ध होती है क्या जैसे जो हमारे मन में आत्मा? गलत विचार वगैरह हाँ, आते हैं, जो हमारे मन में गलत विचार आते हैं भागवत वो गीता आत्मा से। में थोड़ी आते हैं, मन में विचार आते हैं, तो आत्मा को क्यों शुद्ध करेंगे? विचार जो भी आ रहे हैं वो मन में आ रहे हैं ना, आत्मा तो हमेशा शुद्ध रहती है, आत्मा कभी गंदी नहीं होती। ये पहला गलती सब लोग अक्सर लोग करते हैं, जो एक समझने वाली बात है कि हम लोग सोचते हैं अरे हम पापी हैं, पापी है, पापी है तो मन से पाप कर रहे हो ना, आत्मा ने थोड़ी कुछ किया है। आत्मा तो भगवान का अंश है, और भगवान का अंश, अगर भगवान शुद्ध है तो अंश भी शुद्ध रहेगा ना। द प्रॉब्लम इज द माइंड, जो मन दिया गया है वो मन से हमारा सब गलत कार्य करने का या गलत चीजों का भोग करने का एक प्रवृत्ति है। मैंने एक बार पहले भी बोला हुआ है कि इंद्रियां कभी आपको बोलती नहीं है कि मुझे भोग कराओ, मुझे भोग कराओ। कभी आपका जीवा ने बोला है अरे बहुत दिन हो गया, कोई अच्छा चने के ना छोले खिला दो, या कुछ कचौड़ी खिला दो, दाल बाग खिचड़ी बहुत खा लिया? नहीं, हमारा मन कहता है चलो आज जाके थोड़ा पावभाजी जी खा के आते हैं, आज थोड़ा कुछ चटपटा खा के आते हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है? बेचारा आत्मा तो गपचुप बैठा है, कुछ नहीं कर रहा, मन के माध्यम से हम भोग रहे हैं ना। इंद्रियां मांग रही हैं, इंद्रियां ने कभी नहीं बोला मुझे ये चाहिए वो चाहिए, हम अपने मन से मांग रहे हैं कि भाई मुझे ये दे दे वो दे दे, ताकि मुझे शायद सुख मिल जाए। और वो शायद सुख सुख के चक्कर में, प्लीज म्यूट एवरीवन, शायद मुझे कुछ भोग मिल जाए या कुछ आनंद मिल जाए, इस चक्कर में हम भटकते रहते, मिलेगा नहीं। ये जो भोग है वो क्षणिक है, इंद्रियां थक जाती हैं। जैसे आपने एक लड्डू खाया, दो लड्डू खाया, तीन लड्डू खाया, तीसरा लड्डू खाने के बाद इंद्रियां भी कहती है बस कर, मन कह रहा है दिल मांगे मोर, इंद्रियां कभी मांगे मोर नहीं है, दिल ही कहता है और अरे क्या बूढ़ा हो गया खा नहीं पा रहा है, देख बाकी लोग चार लड्डू खा रहे हैं तो दो लड्डू में बैठ गया। तो इंद्रियां अपना, इंद्रियां कुछ नहीं कर रही है, मन ही जो है वो हमको हमेशा उकसा रही है, कम ऑन लेट्स एंजॉय लेट्स एंजॉय। चलो अच्छा खा नहीं सकता है चलो कुछ पी लेते हैं, जो पी नहीं सकते हैं चलो कुछ देख लेते हैं, किसी ना किसी तरह से अपने इंद्रियों द्वारा मनोरंजन लेने की कोशिश कर। पर एक्चुअली उस चक्कर में ना हम दूसरों को मनोरंजन दे रहे हैं, खुद मनोरंजन ले नहीं रहे। एक बंदर हमको मजा देने के लिए नाच रहा है। How many of you all really get amused by that dance, or you get you laugh because look at that fool who is dancing with the stick? So who is actually enjoying? Is it the monkey? No. The foolish behavior of the monkey makes you give an enjoyment feeling. So what a fool he is! What a dumbo he is! Don't worry, even God will be looking at us the same manner. What a fool he is! See, for some
सिली फूलिश एंजॉयमेंट इज जंपिंग लाइक ए मैडमैन। सो सीमा माता जी, आपका यह सवाल, मुझे जवाब गलत था कि आप जो कह रहे हैं कि मनुष्य जो है वो आत्मा शुद्ध अशुद्ध है उसको शुद्ध करने के लिए, तो शुद्ध होगा नहीं, आत्मा कभी अशुद्ध नहीं था और न कभी होगा, भगवान का अंश है, हमेशा शुद्ध होगा। हमको शुद्ध हमारा मन को करना है, ना कि आत्मा, मन और बुद्धि को करना है। ओके, somebody else can try. Why, what is the benefit of reading the Bhagavad Gita and what is the benefit of doing devotion, भक्ति करने का या Bhagavad Gita सुनने का या Bhagavad Gita जीवन में उतारने का क्या फायदा है? गेटिंग आउट ऑफ द लूप ऑफ डेथ एंड बर्थ। यू नो दैट इज लाइक यू नो नो डाउट योर आई एम नॉट सेइंग यू आर रॉन्ग, वेरी गो फॉर अ पार्टी ना, यू वेयर अ नाइस ड्रेस, यू नाइ वेयर अ नाइस परफ्यूम एंड यू हैव लॉट ऑफ नाइस डांसेस एंड देन यू हैव लॉट ऑफ फूड स्टफ एंड ऑल दैट। पर खासकर ना बच्चों का पार्टी होता है ना, तो लाइक यू नो यू टेक गिफ्ट, बट वॉट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ द पार्टी, बच्चों का प्रभु जी, पार्टी में? अरे वन मिनट, वी मस्ट यू सॉरी, वेट वेट, डोंट इंटर। तो व्हाट इज द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ इट? बच्चों का पार्टी में द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट इज द रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न यूटीएस। बहुत मजा आता है बच्चों को, अरे क्या रिटर्न गिफ्ट क्या मिलेगा आज, छोटा सा भले छोटा सा गिफ्ट होगा, बट यू नो चिल्ड्रन गो टू अ बर्थडे पार्टी ओनली फॉर अ रिटर्न। रिटर्न गिफ्ट अरे पापा वो तो ऐसे भी मिलने वाला है, जो जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल रहे हो वो तो ऐसे भी वो मिलने वाला है, उसके लिए खास प्रयास करने की जरूरत ही नहीं। गॉड हैज गारंटीड दैट, तो उसके लिए तो कोई टेंशन नहीं है। एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ डूइंग ऑल दिस? लिव लाइफ हैप्पीली। हाँ लिव लाइफ हैप्पीली, यस, द ट्रू हैप्पीनेस, नॉट द यस वर्ल्डली हैप्पीनेस, व्हाट द वर्ल्ड डिस्क्राइब्स एज राइट। समथिंग मोर। यस सुजाता माता, हाँ शिवानी माता जी बोलिए। स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड स्पिरिचुअल प्रॉब्लम अवेकनिंग, सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्या प्रॉब्लम है? यहाँ आने के बाद आपको पता चलता कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और अगर कुछ है तो तीन कैटेगरी में गिरती है, आदि देविक, आदि भौतिक या आध्यात्मिक। या तो एक आदि देविक प्रॉब्लम रहेगी, जैसे कोई बाढ़ आ गया, सुनामी आ गई, तो कोई भी मतलब सूखा पड़ गया, तो ये सब आदि देविक है। आदि भौतिक है, अब किसी के लिए सास प्रॉब्लम रहेगी, किसी के लिए बहू प्रॉब्लम रहेगी, किसी के लिए पति, किसी के लिए पत्नी, तो किसी के लिए बच्चे, तो किसी के लिए बॉस, किसी के लिए अपना पड़ोसी, एन नंबर ऑफ प्रॉब्लम, कोई रिश्ता, कोई भाई, कोई दोस्त, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, दैट इज आदि भौतिक। एंड आध्यात्मिक, जैसे आप सोचते रहे हो अरे मुझे आईफोन लेना है, लंबोर्गिनी गाड़ी लेनी है, पोर्श गाड़ी लेनी है, पैसे नहीं आ रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहा हूँ, तो यह हुआ आध्यात्मिक। तो उसके बाद तो मेन प्रॉब्लम है जन्म मृत्यु जरा व्याधि, बर्थ डेथ ओल्ड एज एंड डिजीज, इटरनल प्रॉब्लम, और ये सबका साथ प्रॉब्लम है, अमीर से लेके गरीब तक, आदमी हो या औरत हो, प्रधानमंत्री हो या डॉक्टर हो, सबको है प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम किसी से किसी किसी को छोड़ने वाला नहीं है। सो यू डोंट सॉल्व प्रॉब्लम्स, यू अंडरस्टैंड दैट देयर आर नो प्रॉब्लम्स। 99% ऑफ द प्रॉब्लम्स आर क्रिएटेड एंड रेस्ट आदि देविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इन प्रॉब्लम से बचने के लिए एक ही तरीका है, गेट आउट ऑफ द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाओ, अपने प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। सो व्हाई शुड वी रीड द बुक? अपने माइंड को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना, करते हुए भरत कुछ जी, हु जानना। स्पीकिंग? यू स्पीकिंग दिस इज भरत। भरत? हाँ, who and how you came to discuss, I mean, who are you? But श्रद्धा मैम हैज इनवाइटेड मी। अच्छा, श्रद्धा माता जी, सर, ओके, यस, व्हाई डोंट यू पुट ऑन योर वीडियो? एक्चुअली साइड बाय साइड आई एम डूइंग माय वर्क। हाँ, साइड बाय साइड आई एम डूइंग माय वर्क। दैट्स राइट। दैट्स द बैड पार्ट ऑफ जूम लेक्चर्स, दैट्स व्हाई आई डोंट अप्रिशिएट जूम लेक्चर्स, वेरी फ्यू आई सिट विद फुल कंसंट्रेशन।
इट्स लाइक लाइक रनिंग द रेडियो और रनिंग द एलेक्सा आई एम वर्किंग विद. नो नो इट्स नॉट रियली लाइक दैट आई एम या बट कॉन्सेंट्रेटिंग आई दिस एम इज डूइंग जनरली अदर दिस इज अ ड्रॉबैक इन जूम लेक्चर्स. Whereas in physical lectures, you know, you sit in front of me and nobody else is. You're not doing multitasking. Here, you're doing multitasking. Okay, please speak. control on mind, knowing about the karmas and Knowing about karmas. हाँ मतलब कर्म जो कर्म थे अपने हमारे हाँ प्रीवियस मतलब हाँ के क्या होता है कर्म क्या होता है और अपने कर्तव्य के बारे में जानना ये सब कर्तव्य के भगवद्गीता बारे में जानना ठीक है. उसके पहले क्या बोले आपने? कर्मा. कर्मा जो हमारे कर्मास होते हैं कर्मा आप कैसे पता चलता है आपने कौन सा कर्म? हाँ जो भगवद्गीता में बताते कि जो जो आपने कर्म किए होते हैं उसके हिसाब से आपको इस जन्म में वो भुगतना पड़ता है तो ये सब बताते हैं भगवद्गीता में आई अच्छा, थिंक लाइक दैट कहाँ पे लिखा है प्रभु? मैं कुछ 10 साल से सिखा रहा हूँ, मुझे ना मैंने तो ऐसा पढ़ा नहीं. नहीं जस्ट माय ओपिनियन वाइल्ड गेस. हाँ यस ओके, समथिंग एल्स समबडी वुड लाइक टू स्पीक? यस, मुझे सुजाता माता जी बोलिए. क्या फायदा कि आप तो काफी सेल काफी समय से आप हो पढ़ रहे हो, तो क्या फायदा है? ये मत बोलना प्रभु जी, आपके क्लास बड़े मजा आता है सुनने के लिए, इसलिए सुनते हैं. तो वही कर्म के बारे में ज्यादा पता चलता है कि हम कर्म किस तरीके से कर रहे हैं करके. अच्छा, हाँ, भगवान ने कहा बोला भगवद गीता में, ये कर्म सही है ये कर्म गलत है? भगवद ये गीता में कहीं भी कर्म लिखा नहीं है अकर्म, शराब पीना बुरी बात है. ये कर्म अकर्म भगवद गीता में कहीं विकर्म लिखा वाला नहीं तो है कि आपको नॉनवेज नहीं खाना चाहिए या शराब नहीं पीना चाहिए. ये प्रभु जी वैसा बोल रही हूँ मैं, कर्म अकर्म और विकर्म वाला जो हाँ हमने कर्म के प्रकार पता है प्रकार. ओके द टाइप्स ऑफ कर्मास यू कम टू नो किस कितने प्रकार के कर्म है. ठीक है, पता करने से क्या फायदा? कितने लोग हैं जानने के बाद भी शराब पीते हैं नॉनवेज खाते हैं, देन ओके व्हाट इज द बेनिफिट? है ना, बात सही है कि गलत है? सही. हम ज्यादा बोलते हैं तो बोलते हैं प्रभु जी रहने तो ज्यादा मत सीखो, हमको पता है, आपको भी बोल देंगे वो लोग, तो देन व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर दैट? यस निखर माता जी, बहुत हरे दिनों के कृष्ण बाद प्रभु आपके जी. दर्शन, हरे कृष्ण, बहुत दिनों के बाद आपका दर्शन हो रहा है. अरे नहीं नहीं प्रभु जी, हाँ फिर नहीं तो क्या माता जी, फोन करना पड़ता है आपको, बुलाना पड़ता है, इनविटेशन देना नहीं पड़ता मैं, है. आप मेरे को देखो, मैं बारिश में भीग के आई हूँ. अभी जस्ट घर पे एंटर करा, अच्छा फटाफट तो ऊपर आ आपके गई मैं वहाँ चंडीगढ़ में बारिश हो रही है? हाँ सही अमृतसर है, में. अमृतसर में बारिश हो रही है. हाँ, सुबह से बहुत जबरदस्त बारिश हो रही है. मैं बाहर फंसी पड़ी थी, फिर मेरे को आना ही पड़ा कि चलो अभी टाइम बहुत ज्यादा हो गया है. एकदम भीग चलो के आई एक्टिवा में पूरा. सो यू हैव अ रीजन टू आंसर नाउ टू से दैट व्हाई व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ रीडिंग द भगवद गीता. What's the benefit of reading Bhagavad Gita? I think it's the guide for life. We get to know What made how you to live. come running in the rain also? Eagerness of attending your class. It's been like So there is quite some some time. joy, right? कुछ खुशी Yes, of मिल रही course. है यहाँ. हम लोग सब अभी 1 घंटा हम लोग ये कथा सुनने वाले हैं, भगवान के बारे में सुनने वाले हैं, उससे हमको क्या मिल रहा है? लिटिल हैप्पीनेस, लिटिल जॉय. ना आपको कुछ रसगुल्ले का स्वाद आ रहा है, ना अच्छा म्यूजिक सुनाई दे रहा है, ना कुछ अच्छी चीज कुछ देखने को मिल रही है, बस यू सी दिस बॉल्ड हेडेड पर्सन. सो व्हाट व्हाट सो ग्रेट अबाउट दिस? दैट्स व्हाट लॉर्ड इज ट्राइंग टू से दैट भगवद गीता इज जॉयफुल. और राधा भगवत गीता सीखने से हमको भक्ति करने का मार्ग मिलता है और भक्ति करने से हमको क्या मिलता है वो है आनंद. खुशी नहीं आनंद. ऑल ऑफ योर लुक फॉरवर्ड नेक्स्ट लेक्चर कब हो, नेक्स्ट वीक कब आएगा, वो दिन आएगा. जैसे जनरल लोग पिक्चर के लिए या सीरियल में देखते हैं ना, तो लोग देखते हैं कल का एपिसोड में क्या आएगा, व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट एपिसोड. तो सिमिलरली यू ऑल मस्ट बी वेटिंग एंड सेइंग लेट्स सी व्हाट वी लर्न इन द नेक्स्ट लेक्चर, व्हाट एक्स्ट्रा नॉलेज वी कैन गेट. सो लॉर्ड सेज यू ऑल गॉट द भगवद गीता, ओपन द 18th चैप्टर ऑफ भगवद गीता,
if you want, you can Google it also. 18.53. Five four, sorry, sir. 5 4. अठारवा अध्याय 56 श्लोक नंबर, हिंदी में क्या कहते हैं 56 को? खपत अच्छा, खपत, छप्पन छप्पन बोलते, 56, हाँ छप्पन, छप्पन हाँ छप्पन छप्पन बोल। छप्पन, अच्छा 56 भोग जैसा 56। मैं अगर ऐसे जगह पर अटक जाता हूँ तो आई वुड से 55 + 1, 55 और एक। आई डोंट नो 56। तो आई होप यू ऑल ओपन द भगवद गीता। क्या लिखा है, क्या कोई पढ़ सकता है हिंदी में? माता जी, सुजाता माता जी पढ़ सकते हैं आप? मेरा पढ़िए। शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। ये ओपन 50, ओके ओपन 54 मत है, 54 54 54। हाँ। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत परम ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतया प्रसन्न हो जाता है। वह न तो कभी शोक करता है न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर संभाव रखता है। उस अवस्था में वह मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। तो व्हाट डज दिस मीन? कैन एनीवन रीड इन इंग्लिश? किसी के पास इंग्लिश है? हु हैज गॉट इन इंग्लिश हाँ स्पीकर? यू डोंट हैव इंग्लिश ऑन? ऋषिकेश, यू गॉट इंग्लिश? यस, प्लीज रीड। वन हु इज दस ट्रांजेंशनली सिचुएटेड एट वंस रियलाइजेस द सुप्रीम ब्रह्मा एंड बिकम्स फुली जॉयफुल। ही नेवर लमेंट्स आवर डिजायर टू हैव एनीथिंग। ही इज इक्वली डिस्पोज टूवर्ड्स एवरी लिविंग एंटिटी। In that state, he attends pure devotional service unto me. So let's read this in a very breakup manner so that we understand fully. One who thus presently situated at once realizes the supreme Brahman. Supreme Bhagavan, Brahman का मतलब क्या है? भगवान, सर्वोच्च भगवान जो है उनको रियलाइज कर दे। रियलाइज करना का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रियलाइज? व्हाट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ रियलाइजेशन? रियलाइज शब्द का अर्थ क्या है एक्चुअल में, इस कॉन्टेक्स्ट में? जो भली भांति भगवान को तत्वतः में जान लेता है। प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। वन हु इज दस ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड। ट्रांसेंडेंटल मतलब स्पिरिचुअली सिचुएटेड। द वर्ड ट्रांसेंडेंटल मीन्स स्पिरिचुअल। तो जो व्यक्ति भक्ति में, डिवोशन में, स्पिरिचुअलिटी में स्थित है, वो मुझे समझ पाएगा कि भगवान एक एक ऐसा चीज है। हम सब, मैं अक्सर कहता हूं, वी ऑल नो गॉड इज ग्रेट बट वी ऑल डोंट नो हाउ ग्रेट गॉड इज। हम सब जानते हैं भगवान कौन, बहुत बड़े यार, बहुत बड़े। अरे भगवान की बात क्या, अरे भगवान कौन है ये तो जान लो। और जो भक्ति करता है, जैसे हनुमान जी ने भक्ति किया, आप लोगों ने फोटो देखा होगा, हनुमान जी आके, हनुमान जी को रामचंद्र जी आके आलिंगन करते हैं। उन्होंने सिर्फ उनकी भक्ति, उनकी सेवा की, और सेवा करते ही भगवान का साक्षात रूप हो गया। सो टू रियलाइज गॉड, टू थ्रू थियरी यू कैन नॉट अंडरस्टैंड गॉड और यू कैन नॉट सी गॉड। टू रियलाइज हिम, आपको भक्ति में, भक्ति के जो प्रोसेस है उसमें आपको स्थित होना पड़ेगा। एंड एट वंस रियलाइज, तुरंत भक्ति में आप
जब सिचुएट हो जाते हो ना, तो तुरंत आप भगवान को रियलाइज करते एंड बिकम्स फुल्ली जॉयफुल, प्रसन्नचित्त। प्रसन्नचित्त होना मतलब प्रभु जी कहेंगे, प्रभु जी मैं तो कल शराब पी के आया, बहुत प्रसन्न था। अरे वो प्रसन्नता तो थोड़े समय में उतर जाएगा, वापस पीना पड़ेगा। पर जो भक्ति में स्थित है उसके लिए वो प्रसन्नता हमेशा एक ही स्तर पे रहेगा। There won't be anything overdose of happiness or lower dose of happiness. Why? The next line explains that also. And he never laments nor desires to have anything. Lament मतलब शोक करता, अरे मेरे पास नहीं, उसके पास कितना बढ़िया गाड़ी है, इसके पास बढ़िया घर है, इसके पास बढ़िया घड़ी है। आदमी अक्सर शोक करते रहते, और जैसे किसी को की देखा ना वो ज्यादा शोक करते। आपको एक बड़ा रोचक कहानी बताता हूँ। वंस लॉर्ड रामचंद्र जी दंडकारण्य फॉरेस्ट में जा रहे थे, दंडक फॉरेस्ट वनवास के लिए निकले थे, तो दंडक फॉरेस्ट में जा रहे। तो दंडकारण्य के सारे ऋषि देखे, अरे वाह, तो रामचंद्र जी पैगम स्वयं भगवान शादी करके पत्नी के साथ कितना सुखमय जीवन जी रहे हैं, अपना भक्ति भी कर रहे हैं, मतलब अपना दिनचर्या भी उनका भक्ति में है, वो भी वहां पे पूजा पाठ हवन सब कर रहे थे। तो लोगों ने सोचा, अरे लगता है हम भी शादी कर लेंगे तो काफी आराम हो जाएगा, पत्नी सब तैयारी करेगी हवन के, यज्ञ के, जो आहुति डालते हैं यज्ञ में, चावल खाना जो भी बनाते हैं सब बनाएगी, बड़ा आराम हो जाएगा, आराम हो जाए, क्यों ना हम सब शादी कर लें। तो शादी करना है तो फिर सब लोगों सोचा करें क्या, लड़की कहाँ से शादी के लिए, भाई साधु को ले कौन, जंगल में कौन लड़की देगा अपने। तो उन्होंने सोचा, अरे क्या प्रॉब्लम है, रामचंद्र जी जैसे पत्थर पे पैर रखेंगे पत्थर लड़की बन जाती है, जैसे अहिल्या वापस बन गई थी ना। सब लोगों ने सोचा चलो तो अपने मन के हिसाब से ना एक काम करते हैं, हम लोग पत्थर लेके आके रख देते हैं अपने घर, रामचंद्र जी सबके घर में आएंगे, पत्थर पे पैर रखेंगे तो तुरंत वो लड़की बन जाएगी, उसे हम ब्याह करेंगे और वो हमारी पत्नी की तरह अच्छी सेवा करेगी, हम भी भगवान की तरह सुख में रहेंगे। तो भगवान ने देखा, अच्छा ये लोगों को समझाना पड़ेगा, सभी साधुओं ने, किसी को गोरी पत्नी चाहिए थी तो गोरी पत्थर, गोरा पत्थर, सफेद पत्थर लेके आए थे, किसी को तो सावली चाहिए थी सावला पत्थर लेके आए थे, किसी को मोटी चाहिए थी तो मोटी मोटा पत्थर लेके आए थे, किसी ने छोटा पतला पत्थर छोटा पत्थर लाए थे, उसको पत्नी पत्नी चाहिए, तो अपने हिसाब से सब लोगों ने पत्थर ला के रखा। तब रामचंद्र जी ने लीला रचाया कि उनकी पत्नी का अपहरण हो गया, और रामचंद्र जी बड़े शोक में, हाय चली गई मेरी पत्नी चली गई, हिरण से पूछ रहे हैं, पेड़ों से पूछ रहे हैं, पौधों से पूछ रहे हैं, अरे कहीं मेरे पत्नी को देखा क्या, किसी ने मेरे पत्नी को देखा क्या। उनको शोक में देखा, सब लोगों ने सोच लिया, हाय तोबा, कल हमारी पत्नी को किसी राक्षस ने चुरा लिया तो हम क्या करेंगे, ये तो भगवान होके उनका यह हाल है, हम हमारा क्या हाल होगा, अगर हम तो सारे ऋषि मुनि है तो हमारा क्या हालत होगा। तुरंत अपना अपना पत्थर उठा के जाके पानी में फेंक के आ गया, वाला नहीं चाहिए। सो व्हाट डज दिस मीन, हमारे अंदर दो चीजें हैं, हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस, और हियर एज प्रभुपाद जी राइट्स, लैमेंट्स और डिजायर। आ गया तो जो चीज है उससे बेहतर चीज का शोक हो, अरे मैंने iPhone 13 लिया अभी iPhone 15 आ गया, शोक लैमेंटिंग उस चीज का शोक होता है, और डिजायर कि iPhone 17 आएगा या iPhone 20 आएगा तो मैं पहला मैं ले लूं। बस इसी के बीच में पूरी जीवन हमारी निकल जाती, वी लूज अवर एंटायर लाइफ ऑसिलेटिंग बिटवीन शोक एंड, शोक किसका होता है, जो ऑलरेडी है आपके पास, जो नहीं है उसका शोक नहीं होता है, सिर्फ उसकी इच्छा होती है, और जो है चाहे वो घड़ी हो गाड़ी हो,
कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु। अरे थोड़ा और पैसा डाल दिया होता, 500 रुपया और डाल दिया होता, बेहतर शर्ट आ जाता, इससे टी शर्ट अच्छा आ जाता, कुछ भी बेहतर है, लेकिन सारी बेहतर सारी आ जाती, बेटर डिजाइन आ जाता। सो द बॉटम लाइन इज वी आर ऑलवेज इन चोखा। Who's doing this? So, please don't do such things. Breaks my concentration. So, generally we are in shokha or desire, kamna. इन दो चीजों में भरे रहते हैं। मगर भक्ति, जो व्यक्ति भक्ति में लीन है, वो इज फिक्स्ड इन डिवोशन, ही इज नॉट नाइदर लैमेंटिंग नाइदर डिजायरिंग। व्हाई व्हाई? उसका कारण क्या है? बोलिए सुजाता माता जी, बोलिए। प्रभु जी उसको फिर बाकी चीजों से लगाव नहीं रहता है ना, क्योंकि वो भगवान बाकी की चीजों भक्ति। से लगाव नहीं रहता। क्योंकि वो जो आपके भी आपने आपने भक्ति शुरू कर दी, आपके महंगे महंगे साड़ियां सब दान कर दी आपने। नहीं वो पहनना तो पड़ेगा ना कपड़ा। नहीं कहा अच्छा कपड़ा रखो ना, महंगे वाले जो सोने चांदी है वो तो उसको थोड़ी जरूरत है, सोना नहीं चांदी बांट दो। तो लेट्स बी टाइम आएगा प्रैक्टिकल, तो सी दिस इज यस अ प्रैक्टिकल भगवद गीता क्लास। यस हम यू नो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि अरे हाँ बस अपने को सब मोह माया छा त्याग देना चाहिए। कौन सा मोह माया त्याग सकते हो? क्या मैं लैपटॉप उठा के फेंक दूँ? नहीं। भक्ति कर रहा हूँ, इसके माध्यम से मैं आप लोगों से जुड़ रहा हूँ। सो हाउ डू यू कंसिडर, दैट्स व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ भगवद गीता। भगवद गीता थियोरेटिकल बहुत लोग सिखाने के लिए बैठे हैं, पर जीवन में उतारना कैसे है, क्या इसको समझना कैसे, इसको आप इसके ऊपर हमको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग। यस हिमांशु, आप बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते थे ना तभी। प्रभु जी वही जो माता जी ने बोला कि मोह माया से दूर हो जाते हैं, तो थोड़ी ओ वेरी गुड, ऐसा वेरी मुझे नाइस। लगता तो आपके अभी सब महंगे चीज जो है, गैजेट्स हैं, है। अभी आप छोटा सा एक फोन ले लेना 1500 वाला, और आपका फोन दान कर देना, अच्छी बात है फिर भाई। आपकी क्लासेस कहाँ लूंगा प्रभु जी? तो 5000 वाला, 15000 वाला मोबाइल में तो काम काम हो जाएगा, क्यों आईफोन लेना है ना। 15000 फोन में भी मैं आऊंगा ना, दिखूंगा ना। वाई यू नीड ऑल दैट एंड यू नो वाई, इतना मेहनत करके इतने पैसे क्यों कमाना है? कल से बस हफ्ते में एक दिन काम करना, बस इतना ही है कि अपना पेट भरना चाहिए बस। प्लीज डोंट गो इन अ फैनेटिक मैनर एंड अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स। एक बात अगर बोलूं, ऐसा होता तो भगवान कभी अर्जुन को बोलते नहीं, युद्ध कर, उठ के युद्ध कर और इस राज्य को जीत। राज्य को जीतने के बाद राजा एक अर्जुन क्या एक बाबा जी की तरह रहता था क्या? सारे ना राज राजा राजसिक हाट बाट वॉज लिविंग विथ ऑल द हैपिलेंसेस एंड ऑपुलेंसेस एंड ग्लोरीज ऑफ अ किंग। महंगा सोने के थाली में खाता था और सोने के रथ में घूमता था, आभूषण पहनता था। व्हाट डज दिस मीन? लैमेंट एंड डिजायर, राखो भी मारो भी जो इच्छा तुम्हार। अगर भगवान ने दिया उसको भगवान के सेवा के लिए इस्तेमाल करो। लॉर्ड गिव्स यू लैक्स ऑफ रुपीज, यूज इट फॉर द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, नॉट ऑन योर ओन पर्सनल सर्विस। दूसरी बात, ये समझ के चलना है कि जो भी है या जो भी नहीं है, दोनों क्षणिक हैं।
दे आर नॉट फॉर एवर। एट द टाइम ऑफ डेथ क्या आपका घर का सोफा लेके जाओगे, आपकी गाड़ी, आपका सोना चांदी, जितना भी, आपका आईफोन कोई देगा भी नहीं, अग्नि में डालेगी भी नहीं। जैसे आप मर गए, आपका बेटा बोलेगा अच्छा हुआ बाप मर गया, अभी इसका आईफोन मेरा, उसकी जायदाद मेरी, उसका सोना चांदी सब मेरा। हाँ, वो बोलेगी अरे वाह अच्छी वाह, सासू माँ मर गई, अब उसका सोना चांदी सब मेरा। बट कितनी बेवकूफ होगी वो औरत जो ये सोच रही है, क्यों, कुछ बरसों बाद वो भी तो मरेगी, क्या वो अमर है? आफ्टर फ्यू इयर्स इवन शी इज गोइंग टू डाई एंड हर गोल्ड एंड सिल्वर और वॉट एवर डायमंड्स वॉट एवर शी इनहेरिटेड फ्रॉम हर मदर इन लॉ विल गो डाउन टू समवन एल्स। दैट इज वॉट ट्रांसेंडेंटल नॉलेज। भक्ति में उतरने के बाद व्यक्ति को जानता है ये शरीर ही मेरा नहीं है, तो शरीर के साथ जो जुड़े संबंधी हैं, जो शरीर से साथ जुड़े मेरे सामान हैं, जो मेरे जिसे मैं अपना कहता हूं, ये मेरा घड़ी, ये मेरा घर, ये मेरा लैपटॉप, ये मेरा मेरा मेरा, ये सब क्षणिक। मृत्यु के समय जैसे आप मरोगे खत्म, मरने के बाद आप भूत बन के जाओ बैंक में, बोलो मेरा पैसा मेरे को दो, देंगे तो फिर आपका है क्या? तो इस चीज का ज्ञान होना और उस जीवन का ये ज्ञान लेकर उसको जीवन में उतारना, टू नो अबाउट दिस इज वन पार्ट, बट आफ्टर नोइंग नो ब्रिंगिंग इट और इम्प्लीमेंटिंग इट इन वन्स ओन लाइफ इज मोर डिफिकल्ट। बट द डे यू एंड इम्प्लीमेंट इट इन योर लाइफ यू आर हैप्पी, यू आर जॉयफुल। आपको माने अगर खिचड़ी बनाई है, ठीक है आज भगवान चाहते हैं कि मैं खिचड़ी खाऊं, और आज समझो आपके लिए पनीर की सब्जी या हलवा पूरी बनी है, तो सोच लो कि भगवान की इच्छा है कि मैं हलवा पूरी खाऊं। अपनी मर्जी को हटा देना, भगवान की मर्जी को रखना, तो आपका जीवन में से शोक और इच्छा दोनों मर जाए, ये दोनों चीज चली गई ना, यू आर हैप्पी। बट द प्रॉब्लम इज व्यक्ति ये दो चीज कभी छोड़ नहीं सकता। बोलना आसान है, बोलना बहुत है, प्रभु जी बहुत अच्छा लगा, बहुत सही बात बोला, जीवन में लगाओ। अगर आपको बस बढ़िया आईफोन आ गई, ठीक है, नो प्रॉब्लम, गॉड हैज गिवन ए नाइस आईफोन, यूज इट फॉर अ स्पिरिचुअल पर्पस, नॉट फॉर वॉचिंग प्रोनो एंड अदर नॉनसेंस, यूज इट फॉर अ spiritual purpose, use it for connecting yourself with God. आपने नया लैपटॉप लिया, उसको भगवान के साथ जुड़ने के लिए उसको यूज कीजिए, उसमें कथा सुनिए लैपटॉप में, मोबाइल में कथा सुनिए, मोबाइल में कीर्तन सुनिए, भगवान का गाना सुनिए, सुनना दोनों है, एक फिल्मी का सॉन्ग भी सुन सकते हैं आप, थोड़ा उसमें ठुमक ठुमक नाच भी सकते हैं आप उसमें, और उसमें क्या, उसमें नाचना माया के हाथ में नाचने जैसा है, और माया के हाथ में नाचना है ना उसका कोई अंत ही नहीं, माया ऐसी, अगर आपने नाचने का ठेक कर लिया ना तो माया ऐसी नचाएगी आपको, नाचते नाचते आप थक जाओगे पर आपको नचाना बंद नहीं करेगी, दैट इज द स्पेशलिटी ऑफ माया, और वही माया, दैट इज वाई दो माया का नाम है, एक महामाया और एक योग माया। कितने लोग बॉम्बे से हैं यहाँ पे, काफी लोग बॉम्बे के हैं ना, तो बॉम्बे को क्या कहा गया है, माया नगरी, आजकल मैं कहता हूँ पूरा इंडिया माया नगरी होगी, हर शहर हर गांव सब जगह जो चीज नहीं चाहिए वही चीज हो रही है, इसके लिए उसको माया नगरी कहा। माया नगरी का मतलब क्या है, जो चीज की जरूरत नहीं है उसी के पीछे लोग भागते रहते, लोगों को नाइट लाइफ बिल्कुल जरूरी नहीं, हाउ मेनी ऑफ यू रियली एंजॉय नाइट लाइफ, बहुत मजा है, क्या मजा है,
नेक्स्ट डे मॉर्निंग यू आर ड्राउजिंग द ऑफिस. व्हाट इज द यूज ऑफ दैट? यू आर किलिंग योर बॉडी क्लॉक. आपका जो शरीर का एक क्लॉक होता है जिससे आपका जानवर भी रात को सो जाता है. आप बोले नहीं नहीं प्रभु जी, मैं रात को उल्लू बन जाता हूं और दिन में मैं शेर. शेर रात को सोता है, हम लोग उल्लू बन जाते हैं रात. तो डोंट वरी, आप उल्लू के उल्लू ही रहो. यू विल बी ऑलवेज इन फूड. द रीजन इज वी आर रनिंग बिहाइंड थिंग्स विच आर नॉट टैंजिबल. द डे यू आर रनिंग बिहाइंड थिंग्स विच इज टैंजिबल. एंड वॉट इज द टैंजिबल थिंग इन दिस वर्ल्ड? जो शाश्वत चीज है इस दुनिया में कौन सी है? सिर्फ और सिर्फ भगवान का साथ. और वो छोड़ के हम वो सारी चीजों के पीछे भागेंगे जो शाश्वत है, जैसे पैसा, घर, धन. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पैसा नहीं चाहिए, घर नहीं चाहिए, छत तो चाहिए ना, पैसा तो चाहिए. मंदिर आने के लिए भी पैसे लगते हैं, मंदिर में भी दान देने के लिए पैसे लगते हैं. ये नहीं कह रहा हूं कि पैसे की जरूरत नहीं है. एक कंठी माला भी लेनी हो ना, पैसे लगते. तो पैसे का मतलब क्या है? जो अपने आप, जिसके पीछे, लेट्स से समवन इज अर्निंग 50,000 रुपीज पर मंथ, वो चाहे तो उस सैलरी में सुखी भी रह सकता है, दुखी भी रह सकता है. अब सुखी कैसे रहेगा? ये सोच के कि ये मेरे लिए पर्याप्त है, दिस इज इनफ फॉर मी, आई एम सेटिस्फाइड विद दिस. मगर व्यक्ति को हमेशा कम पड़ता है. क्यों? तो उसकी इच्छाएं उसकी सैलरी से या उसकी कमाई से अधिक होती है. एक तो उसकी आदतें, आदतें गंदी होती है ना. इट सेड नॉर्मल पर्सन इफ यू गेट्स सम मनी, लेट्स से आपको रोटी सब्जी दाल चावल, चलो हलवा पूरी खाना है, तो आपको कितने पैसे लगेंगे? ठीक है, महंगाई बढ़ गई है, आजकल सब्जी भी 100 रुपया किलो है, फिर भी शराब पीने से, नॉनवेज खाने से, जुआ खेलने से, व्यभिचार करने से जितने खर्चे उस पे होते हैं ना, उसके आधे के आधे खर्चे में आप सुखमय जीवन जी सकते हो. बाकी लोगों को उन अपनी आदतों को पोषण देने के लिए अधिक पैसा लगता है. कितने लोग आपने देखा होगा, बहुत कम लोग हैं जो गरीबी की वजह से, घर चलाने की वजह से थोड़ा उधार ले लेते. मगर ज्यादा करके लोग उधार किसके लिए लेते हैं? जुआ खेलने. चाहे वो उसका नाम आप शेयर मार्केट दे दो, या उसको टैरेट, जुआ जिसे कहते हैं, आजकल नया हो गया ना, क्या है, रमी, A1 2 3, क्या आजकल बहुत कुछ चल रहा है ना, रमी खेलो, ये करो वो करो. एक दिन मुझे SMS आया मेरे मोबाइल, यू हैव गॉट 20,000 रुपीज. बोला आज के जमाने में बाप बेटे को देता नहीं है. हाँ, ये क्यों देगा मुझे अनजान व्यक्ति को 20,000 रुपये? स्टार्ट योर रमी गेम टुडे. वाह, मतलब मैं खेलूं, पहले जिताओगे, बाद में धीरे धीरे करके मुझे रस्ते में लाके खड़ा करोगे. सो दीज आर ऑल, हाउ मेनी केसेस हैव बीन देयर वेयर पीपल हैव डाइड, कमिटेड सुइसाइड जस्ट बाय प्लेइंग ऑल दिस ऑनलाइन गेम्स, यू नो दैट? और उसका कारण क्या है? ऑनलाइन गेम कारण है या वो खुद कारण है उसका? लोग कहते हैं ऐसे ऐसे होना नहीं चाहिए, वो नहीं तो कोई और आएगा. पहले दिन से शास्त्र हमको सिखाता है कि भाई जुआ नहीं खेलो. अब जुआ खेलोगे तो आपका जीवन बर्बाद होगा, और दिखा भी दिया. महाभारत द्वित क्रीड़ा जो हुई थी पांडव और कौरवों के बीच में, उसमें क्या हुआ? पांडव पूरे, कितने भी अच्छे क्यों ना हो, इन चीजों में आप गिरोगे तो आप रस्ते में आ. कई लोग तो भगवान को इसमें पार्टनर बना के सोचते हैं. तो कल से मेरे, आप शेयर मार्केट के ना, आप 20% पार्टनर.
अरे अगर आप कमा रहे हो तो आपके कर्म से कमा रहे हो, और वो पैसा टिकेगा फलेगा कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं। तो प्लीज रिमेम्बर, इन लाइफ वन शुड हैव सेटिस्फेक्शन एंड वन शुड ऑलवेज डिजायर टू सर्व लॉर्ड। भगवान की सेवा करने के लिए आदमी को हमेशा कोशिश करनी चाहिए। वन शुड ऑलवेज ट्राई, और भगवान को मैं कैसा बेहतर सेवा कर सकूं, और थोड़ा कैसे कैसे सेवा कर सकूं, दैट शुड बी टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बींग्स। बट हमारा टेंडेंसी कैसा है, मैं खुद की सेवा कैसे करूं, खुद कैसे भोगूं, खुद जीवन का आनंद कैसे लूं। और ये खुद के चक्कर में आदमी क्या होता है, बर्बाद होता है। इसके लिए खुश होना है तो आप एक पल में खुश हो सकते, जीवन में उतारो जो सुनते हो कथा में वो उसको जीवन में उतारो, आप सुख हो जाओ, सुखी हो जाओ। लोग क्या बोलेंगे, मेरा टी शर्ट नॉन ब्रांडेड है, लोग क्या सोचेंगे मेरा जूता नॉन ब्रांडेड है या कोई बढ़िया ब्रांड का नहीं है। वो गाना है ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, वैसे ही लोग कुछ ना कुछ करेंगे। आज अंबानी का शादी हुआ कुछ महीने पहले, सब लोगों ने कहा ना कुछ ना कुछ, किसी ने वाहवाही की तो किसी ने बोला अरे बेकार था बेकार। क्या अंबानी ने पूछा था, प्लीज आप लोग कमेंट कीजिए मेरे शादी के बारे में, मेरे घर की शादी में। और लोग बड़े चाव से देख भी रहे थे इंस्टाग्राम फेसबुक में उनका जो भी हो रहा हो, शादी में कौन सा कौन आया था, कौन गया, कौन से कपड़े पहने। दूर दूर से आपका कोई संबंध नहीं है, ना उन कपड़ों से, ना उन लोगों से, ना उन चीजों से, फिर भी क्यों जीवन में भक्ति नहीं। अगर भक्ति होती तो दिमाग कहाँ लगा रहता, मन कहाँ लगा रहता, भगवान पे। और हम लोग का मन कहाँ लगा है, बस वो उठ के अगरबत्ती जला दिया, दिया बत्ती कर दिया, टिंग 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 माला घुमा दिया, भगवान के ऊपर एक हार भी चढ़ा दिया, हो गई अपनी पूछ। अरे ये तो रोबोट भी करेगा, एक रोबोट भी करेगा, इसको पूजा नहीं कहा। भगवान इसके लिए हमेशा कह रहे हैं, वन हु इज दस ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, स्थित हो। स्थित का होने का मतलब क्या है, हर वक्त भगवान को याद कर रहा है। ही एट वंस रियलाइज सुप्रीम ब्रह्मन एंड बिकम्स फुल्ली जॉयफुल इन अवर लैमेंट्स और डिजायर्स टू हैव एनीथिंग। ना किसी चीज का उसको शोक रहता है, ना किसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा होती। ही इज इक्वली डिस्पोज टू एवरीथिंग फॉर टू एवरी लिविंग एंटिटी। उसके लिए ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन। बेस्ट पार्ट, अगर आप बोलेंगे प्रभु जी कैसे दोस्त नहीं दुश्मन नहीं, वो तो मेरा बुरा चाहता है, मेरा अहित चाहता है, मेरे ऑफिस में तो मुझे वो नीचे दिखाना चाहता है, या मुझे नौकरी से निकलवाना चाहता है, उसको दुश्मन क्यों देख। आप लोग एक फनी फैक्ट बताता हूँ, यहाँ पे कोई है जो अमिताभ बच्चन को नहीं पहचानता, कोई है? एवरीवन नोज अमिताभ बच्चन, राइट? अमिताभ बच्चन वाज रिजेक्टेड बाय ऑल इंडिया रेडियो फॉर हिज वॉइस व्हेन ही वेंट टू इंटरव्यू बिफोर ही बिकेम अमिताभ, ओके, व्हेन ही वाज जस्ट अ स्मॉल बॉय, आई मीन जस्ट अ यंगस्टर, जस्ट कमिंग आउट ऑफ हिज ग्रेजुएशन। ही वेंट टू ऑल इंडिया रेडियो ऑफिस, वहां पे उनका इंटरव्यू लिया गया और कहा कि आपका आवाज जो है ना वो रेडियो के लिए सही नहीं है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया। और उसी अमिताभ को क्या हुआ, पूरी दुनिया आज किसके लिए जानती है, उनके डायलॉग के लिए, उनकी आवाज के लिए पूरी दुनिया आज अमिताभ को जानती है, बच्चे से लेके बुढ़े तक जानते हैं। वॉट डज दिस मीन, वॉट डू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? अरे एक रास्ता अगर बंद हुआ तभी तो उसको बड़ा रास्ता खुला, नहीं तो आज कुछ क्या इतने करोड़ रुपए मिलते उसको रेडियो में बैठ के बोलने के, डेफिनेटली नॉट, राइट? वहीं अटक जाता, वो इसी नौकरी में अटका रहता। पर जीवन में कोई काम कोई कार्य आपके मन के हिसाब से अगर नहीं हो रही है तो उसको प्रभु की इच्छा मानकर छोड़ो, प्रयत्न करना।
आई एम नॉट सेइंग डोंट ट्राई, ट्राई टू योर बेस्ट कैपेसिटी, बट दैट इज व्हाई लॉर्ड सेज कर्मण्येव अधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, तुम्हारा फल के ऊपर कोई अधिकार नहीं है, तुम्हारा कर्म करने पे अधिकार है, फल पे अधिकार नहीं है। फल पे अधिकार दो चीज का, कौन दो दो चीज कौन है? एक आपके पूर्व कर्म, आपने गए जन्म में या गए बर्थ में, इफ यू हैव गिवन लॉट ऑफ डोनेशन इन दिस मर्थ यू विल गेट लॉट ऑफ, बट अगेन डोनेशन शुड बी, चैरिटी शुड बी द राइट टाइम राइट प्लेस राइट पर्सन। राइट टाइम मतलब दिन और मुहूर्त अच्छा होना चाहिए, राइट पर्सन सही व्यक्ति को होना चाहिए, तो ब्राह्मण को होना चाहिए या भगवान को ऊपर होना चाहिए, वो होना चाहिए एंड सही जगह पे। रास्ते में जाते जाते आपने गरीब को 10 रुपए दिए तो वो चैरिटी इन मोड ऑफ गुडनेस नहीं है, गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, मगर उससे कोई बड़ा आध्यात्मिक फायदा या अच्छे कर्म का फायदा मिले न मिले उसका गारंटी नहीं। अगर उस कर्म पैसे से अगर उस भिखारी ने बीड़ी लेके पी तो आपको उस कर्म का, बुरे कर्म का भी एक हिस्सेदार होना पड़ेगा। सो द बॉटम लाइन इज प्लीज रिमेंबर, वन हैज टू बी इक्वली डिस्पोज टू एवरी लिविंग एंटिटी। हर व्यक्ति के साथ यही सोच के चलना है, इसने मुझसे मुझे नौकरी से निकाल दिया बहुत अच्छा, मुझे आज इससे भी बड़ा नौकरी मिलने वाला है, सुखी हो गए। और अगर नसीब में कष्ट लिखा है तो वो सिर्फ निमित्त बन जाता है, आपने किसी जन्म में उसको अपने आपको किसी नौकरी से निकाला होगा तो उसने आपको नौकरी पे से निकाल दिया, और आपको दुखी होना है तो होना ही पड़ेगा, इसमें लिए कोई चारा नहीं है। सो प्लीज अंडरस्टैंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नेवर लैमेंट नॉर डिजायर फॉर एनीथिंग एंड ही इज इक्वली डिस्पोज्ड towards every living entity. In that state, he attains pure devotional service unto me. उस परिस्थिति में ही व्यक्ति, जैसे आपने अपेक्षित, here also given a major chunk for the अभिषेक, कलश अभिषेक, जन्माष्टमी, but उसी वक्त वो बेचारा बीमार हो गया and he could not come. So are you sad for it, Abhishek? Abhishek, sorry. Abhishek, are you sad for it? नहीं प्रभु जी। हाँ? यानी हूँ सैड, पर अभी हाथ में नहीं था तो क्या कर सकते? हेल्थ का कुछ है ये। Yes, initially we feel sad. अरे भगवान, क्यों पैसे दिए, अच्छा खाना मिलता था, भगवान का दर्शन मिलता था, अभिषेक करने का मौका मिलता था, कुछ भी नहीं हुआ। Don't worry. Lord is just seeing your efforts. Lord sees everyone's efforts. भगवान ने द्रौपदी का भी efforts, कोशिश देखा, उसकी सारी कौन खींच रहा था? दुशासन, 10,000 हाथी का बल, और वो क्या, एक स्त्री थी, कितना भी ताकत लगा ले वो अपनी साड़ी को नहीं संभाल पाती, पर फिर भी उसने कोशिश किया, और कोशिश करने के बाद हे गोविंदा करके हाथ खोलता, हाथ ऊपर करने के बाद आपका सारी खींच थोड़ी पकड़ के रखी है उसमें, उस क्षण पे ही भगवान आए, तब तक भगवान नहीं है। जैसे उसने गोविंदा करके बोल दिया, बस साड़ी का दुकान खोल दिया, दुशासन थक गया मगर साड़ी कब खत्म नहीं हुई। तो प्लीज अंडरस्टैंड योर डिवोशनल सर्विस इज इजी टू अचीव, बहुत आसान है भक्ति को प्राप्त करना, बट द प्रॉब्लम इज हम लोगों को करने का, क्यों भौतिक चीजों के साथ आसक्ति इतनी है, जैसे क्लास खत्म होने, अरे 10, 10:30 बजे अच्छा सीरियल है, 10 बजे अच्छा सीरियल है, देखने जाना है, ये करना है, वो करना है, तो कहाँ से आप आगे बढ़ोगे? और 10 साल क्या, और 50 साल भी रह जाओगे भक्ति मार्ग में, फिर भी वहीं के वहीं खड़े रह जाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू मूव अहेड। If you want to move ahead in devotion, if you want to attain pure devotional service, please, ये श्लोक का और एक बहुत महत्वपूर्ण अर्थ है, इसको भी समझ लेना।
वन इज दस ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, जो भक्ति में स्थित है या भक्ति के प्रोसेस में। तो भक्ति का प्रोसेस क्या है, क्या है, व्हाट इज भक्ति प्रोसेस, टेल मी फर्स्ट। यस निखिल माता जी, व्हाट इज भक्ति प्रोसेस, क्या क्या करना पड़ेगा और क्या क्या नहीं करना पड़ेगा। चैंट करना पड़ेगा, भगवान जी को याद करना पड़ेगा, ट्राई अब करते हो, भगवान करते हैं। कोशिश करते रहे बेटा। अभी आप कतार में हैं, अभी तो बहुत पीछे खड़े हो मैं। सो इट इज इन योर हैंड्स, यू आर द ड्राइवर ऑफ योर ओन सेल्फ। आपको किसी ने हाथ पैर बांध के रखे हैं, आपको नहीं करना नहीं चाहिए, तो भक्ति नहीं, भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए, भगवान को भोग नहीं लगाना चाहिए, भगवान को ये नहीं करना, किसी ने पकड़ के रखा है आपको, ना ना, देन हु इज द प्रॉब्लम, इट्स नॉट यू, इट्स योर माइंड, बिकॉज या यू आर अ स्लेव ऑफ योर, द डे यू बिकम, मास्टर ऑफ माय माइंड, दैट डे आई विल द डे गेट व्हेन टू डू योर इंटेलिजेंस बिकम स्मार्टर देन योर माइंड। मन कहता है सो जा, इंटेलिजेंस कहता है नहीं नहीं उठो करना है, मन कहता है चुप, यू नो इट्स लाइक टॉम एंड जेरी सीरियल में आते हैं ना, दो जन आते हैं ना करके, वन रेड एंड वन ब्लू कलर आते हैं, तो एक बोलता है के सिर के ऊपर व्हाइट ब्लू रिंग रहता है और एक के पास एक त्रिशूल जैसा कुछ रहता है, एंड वो कहता है कर 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 कर, दूसरा बोलता है मत कर मत, दैट इज हाउ इट इज, मन और बुद्धि दोनों है, दोनों आपको भगवान ने दिए, पर ऐसा नहीं कि किसी को ज्यादा दे दिया किसी को कम दे दिया, सबको इक्वल मात्रा में दिया। चोर का जो दिमाग है और एक भगत का दिमाग है, दोनों उतना ही पावरफुल, सिर्फ उसने चोरी पे लगा दिया, इसने भगवान पे लगाया, इतने अंतर, एक ही वैरायटी का दिमाग बनाया, एक ही वैरायटी का मन बनाया और बुद्धि बनाया, मन और बुद्धि सबका एक जैसा है, फिर भी आप कहाँ लगाते हो मन, ये आपके हाथ में, तो डोंट ब्लेम एनी वन। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वन हैज टू चैंट, टू वन हैज टू ऑफर फूड टू लॉर्ड, भगवान को थोड़ा भोग लगाना है, क्यों, देने वाले दाता वो हैं, तो उनको थोड़ा खिलाने में क्या तकलीफ है, कम से कम इसी बहाने आप याद तो करोगे भगवान। सो दिस इज ऑल बीइंग ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड, और चार नियमों का पालन करना है, नो मेडिटेटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग, इन चार चीजों को फॉलो करना है। कई लोग करते हैं इसको, फॉलो करते हैं, बोलते बोलते हुए नहीं फॉलो करते, भली भांति जानती हैं, जानते हैं लोग, आई शुड नॉट डू दिस, आई शुड नॉट डू दैट, एक टाइम आज कर ले बस, लास्ट कल से नहीं करूंगा, और कल आज, आज लास्ट कल से नहीं, जैसे दीवार पे आप लिख दो ना, कल से अच्छा आदमी बनना है, और सुबह उठ के पढ़ोगे उसको, हाँ कल से अच्छा आदमी बनना है, आज बुरा रहेगा चलेंगे, फिर अगला दिन वापस उठोगे वापस पढ़ोगे क्या लिखा रहेगा, कल से अच्छा आदमी बनना, अच्छा कल से बन। तो क्या करना है, अभी दीवार पे ये कर लिखना है आपको कि आज से मुझे सुधरना है, कल से सुधरना नहीं, आज, पुराने कहावत है ना, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब करो, वाई यू वॉन्ट टू, और लोग क्या कहेंगे, लोगों का क्या कहना है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, क्या है जल्दी जब जीना है परसों, है ना, लोग वही कहते हैं ना, गधे हैं बेवकूफ हैं, इस पल का ठिकाना नहीं, कल का क्या बात करें, जीवन इतना अस्थिर है, इस पल का ठिकाना नहीं है, कल का क्या बात कर, तो इसके लिए सुधरना है तो आज ही सुधरो, करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे, वो कल कभी नहीं आएगा, नाउ और नेवर। जैसे भोगने के लिए हम कभी बोलते हैं क्या, बाद में भोगते हैं, तो आईफोन बाद में लेते हैं, गाड़ी बाद में लेते हैं, हाँ सोना बाद में लेते हैं, चांदी बाद में लेते हैं, नहीं वो सब तो अभी तुरंत भोगने के लिए तुरंत चाहिए, उसी तरह भक्ति भी तुरंत होनी चाहिए, फुर्सत में नहीं।
तो उस तरह से आप स्थित रहोगे और इन परिस्थितियों में भी, विपरीत परिस्थितियों में भी आप स्थिर रहोगे, तो आपके अंदर ईश्वर भक्ति आएगी। देन यू विल अटेन, देन इन दैट स्टेट ही अटेन्स प्योर डिवोशनल सर्विस अनटू मी। पहले आपको भक्ति में स्थिर होना है और इन चीजों को पालन करना है, इस अपने मन के ऊपर काबू करना है, सुख और दुख, शोक और इच्छा, ये दोनों चीजों को त्यागना है, तब जाकर आप जीवन में भगवान की भक्ति पाओगे। उसका फायदा क्या है वो हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, दिस आई लाइक टू क्लोज टुडेज क्लास, स्टॉप द रिकॉर्डिंग राघव।